सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 20 अप्रैल को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है और कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आज की मार्केट की बात करें तो मैंने आपको 5 स्टॉक्स सजेस्ट करे थे, जिसमें से मैंने आपको ऑयल इंडिया, अबान ऑफशोर, रिलायंस कैपिटल, जर्मन जमुना ऑटो और आपको सजेस्ट करे थे। तो इसमें से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अचीव हो गया होगा। मैंने आपको कहा था अपनी वीडियो में कि जमुना ऑटो है जो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये कब एक करेक्शन में जाएगा, कब ये एक लोअर सर्किट लगाएगा कि मैं इसमें एवरेजिंग करूँ और इसे खरीदारी करूँ, पर ये गिरता ही नहीं है। और मैंने आपको कल ही अपनी वीडियो में कह दिया था कि ये एक आने वाला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, और हमने देखा कि ये 6-6.5% तक ऊपर चला गया था और अभी भी इसमें अपसाइड बाकी है। जैसे ही इसमें गिरे तो आपको डिप्स में बाय ज़रूर करना होगा। इसमें ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपके लिए और भी ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए सजेशन लेकर आते रहूँगा। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लिए। टाटा एलेक्सी, TCS, अरविंद, टिनप्लेट, बायोकॉन। तो आपने देखा होगा कि मेरी पिछली वीडियो ने आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करके दे दिया होगा। सिर्फ एक रिलायंस कैपिटल था जो नहीं चला था, हमने उसका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों हिट होते हुए नहीं देखे। बिल्कुल अपने करंट मार्केट प्राइस जहाँ खुला था वहीं से रेंज बाउंड ही कर रहा था। तो आपने उसमें शायद ट्रेड करा हो तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, पर आपने जिसमें ट्रेड करे होंगे, जो जो मैंने आपको सजेस्ट करे थे, उसमें आपको बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हो गया होगा। तो अब कल कौन सा फ़ायदा हो सकता है, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, वो है ये। तो इनमें अपनी पोजिशन बना के रखिए। टाटा एलेक्सी बाय करने की सलाह दी जाएगी 1127-1155 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 1090 का लगा के चलना होगा। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है, और अगर हम बात करें तो जो यूएस डॉलर, जो अगर हम बात करें अपनी इंडियन रुपीज़ की, 66 रुपीज़ के ऊपर जा चुका है और अब एक डॉलर हमें 66 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये एक आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है आईटी सेक्टर के लिए। एक ये बात करें तो ये एक न्यूज़ फ्लो अच्छा है, एक ये उसका पैटर्न अच्छा बन गया। तो अब हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर वापस चलना शुरू हो जाएंगे अगर कल मार्केट 66 के ऊपर खुलता है, यानी कि एक डॉलर 66 के ऊपर खुलता है। तो TCS बाय करने की सलाह दी जाएगी 32.50-32.85 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 31.30 का लगा के चलना होगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें 3200 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर निकलेगा तभी आपको इसमें बाय करने की पोजिशन बनानी है। ऊपर निकलने के बाद उसे होल्ड करना ज़रूरी है, ये नहीं कि ऊपर गया आपने तुरंत खरीद लिया, वो होल्ड करता है 2-3-4-5 मिनट। तो इसमें आप बाइंग पोजीशन बनाइए और 32 के ऊपर, 3200 के ऊपर निकलेगा तभी आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी होगी। तो मैं आपके लिए एक कॉल ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी लेकर आया हूँ, उसे भी आप शेयर करेंगे। 3130 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रख के चलना होगा। हमने देखा कि आज इसके रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए हैं, पर हम कह सकते हैं कि बहुत चल चुका है। और इसका 52 वीक हाई जो 3250 के पास है, 3260 है, तो वहाँ तक शायद जाने में से बहुत प्रॉब्लम हो। तो अगर वहाँ तक चले जाते, उसे क्रॉस कर देता है, तो हम और ऊपर के लेवल्स भी देख सकते हैं। अरविंद बाय करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 437.35-441 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 427 का लगा के चलना होगा। टिनप्लेट बाय करने की सलाह दी जाएगी 428.10-453 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 443.30 का लगा के चलना होगा। 445 एक बहुत क्रूशियल एक इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसके ऊपर निकल जाएगा तो हम टेम्पलेट में और तेजी आते हुए देख सकते हैं। बायोकॉन बाय करने की सलाह 644-651 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 634 का लगा के चलना होगा। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखा हमने, और आखिरी के कुछ मिनटों में लोगों ने अपनी पोजीशंस इसमें बना के गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा प्ले और हो सकता है। निफ्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि दो दिन से, पिछले दिन हमने देखा कि उसने एक अच्छा खासा करेक्शन लिया था। करेक्शन की बात करें तो ज़्यादा करेक्शन ही था, क्योंकि 9 दिन ट्रेडिंग सेशन में हमने आउट परफॉर्म करते हुए देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। उसके बाद हमने एक स्लाइटली एक ट्रेंड रिवर्सल आते हुए देखा, पर वो उसके बाद आज भी हमने देखा कि सस्टेन होते हुए देखा है। पर हम देख पा रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि जो
बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25,050 का, वो शायद वो नहीं तोड़ेगी, और वहीं से जाके उसने बाउंस बैक देना शुरू करा था, और उसके लेवल से ही बार बार वो बाउंस बैक दे रही थी बैंक निफ्टी, तो वही एक क्रूशल सपोर्ट लेवल बन चुका है। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी, अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं, वरना अगर हम चार्ट्स को देखते हैं, तो 10,500 एक बहुत क्रूशल लेवल है, जिसे शायद निफ्टी ना तोड़ पाए इस सीरीज के अंदर। और अगर तोड़ देती है तो हम फिर बहुत ज़्यादा हम 10,400 या 10,350 तक जा सकते हैं। और अगर हम 10,600, हम देख रहे हैं कि 3-4 ट्रेडिंग सेशन हो गए हैं, 10,600 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो अगर हम देखते हैं कि 10,600 भी एक क्रॉस रेजिस्टेंस का काम कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जैसे ही ऐसे ये एक साइडवेज मूवमेंट में जाया जा रहा है निफ्टी, और हम देख पा रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं, 74 पर बैरल के ऊपर जा चुका है, डॉलर पर बैरल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, 66 इंडियन रुपीज़ का 1 डॉलर हो चुका है, और जो हमारे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी 1 से 1.5% बढ़ना शुरू हो गए हैं, और वो भी अब बढ़ना शुरू हो रहे हैं। अगर US मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी बॉन्ड डील्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ये एक हमारे मार्केट के लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती, और हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ इस सीरीज के अंदर जो 26 अप्रैल को एक्सपायरी है, वहाँ पर हम शायद 10,400 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं, वरना 10,350 लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। अगर 10,600 के लेवल को वो क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करती है, तो हम कह सकते हैं कि 10,700 का लेवल वो जरूर टेस्ट करेगी, क्योंकि उसके बीच में कोई भी हर्डल हमें आते हुए नहीं दिख रही है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी को आपको सेल करने की ही सलाह दी जाएगी। स्टॉप लॉस आपको बहुत पास कर रख के दिया है मैंने, और ये आपको मैं फ्यूचर्स के लिए बता रहा हूँ, ना कि कैश के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको फ्यूचर्स के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी सेल करने ही की सलाह दी जाएगी आपको। 25,050 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, शायद तो वहाँ तक आने की संभावना आ सकती है। 25,240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। सिर्फ फ्यूचर्स की आपको मैं स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी निफ्टी में बताया जा रहा हूँ। ऑप्शन स्ट्रैटेजी बात करें तो TCS में आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी। कॉल ऑप्शन को 3250 की कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है, इसमें 36 रुपीज़ की जो आपको मिलेगी, पर मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, आपको इसको 3200 के ऊपर ही बाय करना है, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी IT सेक्टर के रिजल्ट आते हैं उससे पहले वो बहुत चलता है, पर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन वो गिरना शुरू हो जाता है, और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा, 3200 के ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग पोजीशन बनाइए, वरना छोड़ दीजिए, कोई ट्रेड लेने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, पर आप इसमें ट्रेड बिल्कुल ना लीजिएगा अगर ये 3200 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है। बहुत टारगेट आपको इसमें 75 का मिल सकता है, स्टॉप लॉस आपको इसमें 19 का रख के चलना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं अब आपके लिए कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। मैं सोच रहा था कि आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ जिसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कौन सी कंपनीज को फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर को फ़ायदा होगा, और क्रूड ऑयल के प्राइस अगर गिरते हैं तो कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा या कौन सी कंपनीज़ को नुकसान होएगा, तो इससे आपको ट्रेड लेने में और आसानी हो जाया करेगी। तो ये अगर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर मेजोरिटी विन होती है तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, और कौन से टाइप की आपकी आपको वीडियोस चाहिए वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कौन से पर्टिकुलर स्टॉक के लिए चाहिए सबसे ज़्यादा, जिसके लिए स्टॉक में हमें दिखेगी आपको वो पसंद है, मैं उसके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के लिए आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे, कुछ लोग रह गए होंगे जिनके सवालों के जवाब नहीं दे पाया था, वो मुझे इस वीडियो में भेज सकते हैं, और जिनके मैंने जवाब दे दिए थे वो इस वीडियो में ना भेजिए, क्योंकि जिन्होंने मैंने सवाल नहीं दिए थे वो भेज सकते हैं, उनके भी सवाल देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, और बेल आइकन को दबाइए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोज़ हर दिन पा पाएंगे, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे करके ज़रूर बताइए, हमें अच्छा लगेगा। तो मैं शिवांश बसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ एक कल नई वीडियो के साथ।